इस मिशन के आगे हम में से किसी की जिंदगी मायने नहीं रखती। ये मुझे मंजूर नहीं। तो फाइनली दोस्तों, वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपरस्टार टॉम क्रूज के फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों बात करेंगे मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के शुरुआती 4 दिनों के टोटल इंडियन और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों शेड्यू का एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और दोस्तों आप टॉम क्रूज के फैन है और उसकी फिल्मों को देखना पसंद करते हो तो दोस्तों शेड्यू को दिल से लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आपने मिशन इम्पॉसिबल 7 फिल्म को देखा है तो दोस्तों आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल 7 मूवी के बजट की। तो इस फिल्म को 290 मिलियन डॉलर यानी कि दोस्तों इंडियन रुपीस में लगभग 2400 करोड़ के बजट में बनाया गया है। और दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर एमसी ने। और दोस्तों इस फिल्म के लीड रोल में आपको टॉम क्रूज, हायली एटवेल, विंग रेम्स एंड साइमन पेग इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बात करें मिशन इम्पॉसिबल 7 फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म अपने शुरुआती पहले ही दिन 12,50,00,000 रुपये का इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया था। तो वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन लगभग 9 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन 9,28,00,000 रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया था। यानी कि दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में 30,58,00,000 रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, यानी कि दोस्तों आज के दिन यह फिल्म कितने करोड़ का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों आज के दिन यह फिल्म 13 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन करते हुए आ रही है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है 43,58,00,000 रुपए का। तो वही दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया ग्रोस कलेक्शन किया है 50 करोड़ रुपए का। और दोस्तों बात करें इस फिल्म कब तक अपने शुरुआती 4 दिनों के टोटल वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिनों में 250 मिलियन डॉलर यानी कि दोस्तों इंडियन रुपीज में लगभग 2,200 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों अब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में हिट हो चुकी है। और दोस्तों आज के लिए इतना, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।